गुड आफ्टरनून एवरीवन, विनायक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टोमक, स्टोमक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। स्टोमक क्या होता है, कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, अब्डोमिनल कैविटी के कौन सी रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं। तो स्टोमक के चार पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था कार्डियक पार्ट, जो कि आपकी ईसोफेगस जहाँ से आके ख़त्म होती है उसके आगे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। उसके थोड़ा सा अपवर्ड की साइड में लेफ्ट साइड एक पार्ट सिचुएटेड होता है, उसमें बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद में उसके डाउनवर्ड की तरफ एक पार्ट पार्ट वाले को पार्ट बोलते हैं अपन बॉडी, और उससे थोड़ा सा डाउनवर्ड जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पाइलोरिक केनाल और एक को बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ रहे हैं अपन कि इस स्टोमक के कौन कौन से रिलेशन हो, रिलेशन ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक में बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन में स्टोमक के दो टाइप के रिलेशन होता है, एक होता है पेरिटोनियल रीजन या पेरिटोनियल रिलेशन, और सेकेंड होता है आपका विसरल। बेस्ट कौन सा होता है आपका, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल रिलेशन बेस्ट होता है आपका, पेरिटोनियल रिलेशन, और सेकंड होता है आपका विसरल। कौन सा होता है, विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन का मीन्स होता है कि पेरिटोनियम वाल के साथ में वो क्या रिलेशन बनाते हैं। स्टोमक कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। कौन सी कैविटी के अंदर रहता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो पेरिटोनियल कैविटी के साथ में वो क्या रिलेशन बनाता है, तो पेरिटोनियल कैविटी दो टाइप से होती है आपकी, एक तो होता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है स्टोमक, ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर हो गई। आपको एक कॉनकेव शेप के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि कौन से साइड में है, राइट साइड। कौन से साइड में है, राइट साइड के अंदर आपको एक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कौन सी शेप में होती है, कॉनकेव शेप में होती है। कौन सी शेप में होती है, कॉनकेव शेप में होती है। कॉनकेव शेप में होती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं लेजर। लेजर का मीन्स होता है छोटा, क्यूरेचर या क्यूरेटिव, इसका मीन्स होता है छोटी लाइन। क्या बोलते हैं अपन, छोटी लाइन। ये जो आपका ग्रेटर क्रवेचर है, सॉरी लेजर क्रवेचर है, ये किसकी साइड में होता है आपके, लीवर की साइड में होता है। किसकी साइड में होता है, लीवर की साइड में होता है, ठीक है। तो आपके राइट साइड स्टोमक है, तो राइट साइड के अंदर आपका स्टोमक है, स्टोमक के राइट साइड के अंदर आपको एक स्पेस ऑक्यूपाइज होता है, स्पेस दिखाई देता है। उस स्पेस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी कॉनकेव शेप में होती है। कॉनकेव शेप का मीन्स होता क्या है, ये जो राउंड एरिया है वो कैसा है, छोटा है। ये कैसा है, छोटा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, लेजर क्रिएचर। क्या बोलते हैं इसे, लेजर क्रिएटिव बोलते हैं। और इसका सेकेंड नाम क्या होता है, इसका सेकेंड नाम होता है आपका लेजर ओमेंटम। क्या बोल सकते हैं इसको, लेजर ओमेंटम, या तो लेजर क्यूरेचर बोल सकते हैं या फिर लेजर ओमेंटम बोल सकते हैं। इसकी एक खासियत है कि आपके स्टोमक के अंदर ब्लड सप्लाई होती है सीलिएक ट्रंक, जिसकी ब्रांच होती है एक आपकी गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एक को बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक को बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वो दोनों की दोनों इनके जो इनर लाइनिंग है इनको क्रॉस करती है, आपकी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी
और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दोनों के दोनों आपके लेजर कर्वेचर को क्या करती है, क्रॉस करती है। दोनों के दोनों क्या करती है, लेजर कर्वेचर को क्रॉस करती है। अब बात करते हैं अपन, सेकंड बात करते हैं, इसके अलावा सेकंड बात करते हैं अपन लेफ्ट बॉर्डर। फर्स्ट आपका आ गया राइट साइड का बॉर्डर, इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या आ गया आपका, या तो उसको राइट साइड का बॉर्डर बोल सकते हैं, राइट साइड में है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, या तो राइट बॉर्डर बोल सकते हैं या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन, लेजर क्यूरेचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, लेजर क्यूरेचर बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लेफ्ट साइड का बॉर्डर, सेकंड कौन सा होता है, लेफ्ट साइड का बॉर्डर, लेफ्ट साइड। अब स्टोमक के आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्टोमक की स्ट्रक्चर होती है। इस एरिया के अंदर आपको ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट कौन सा होता है बेटा, ये होता है कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट। स्टोमक का क्या बोलते हैं इसमें, कार्डियक पार्ट बोलते हैं, जो कि इसोफेगस के साथ में क्या करता है, कनेक्शन बनाए रखता है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं अपन, ये जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, फंडस पार्ट होता है। ये पार्ट कौन सा होता है, फंडस पार्ट होता है। और फंडस पार्ट्स, ये जो आपको एरिया दिखाई देता है, ये एरिया कौन सा है आपके, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपके कार्डियक रीजन, आपका जो कार्डियक है, अब कार्डियक रीजन है, इसके पास में एक स्ट्रक्चर निकलती है, कार्डियक रीजन से एक स्ट्रक्चर निकलती है। कौन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रोफेरिक स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, तो बोल सकते हैं अपन गैस्ट्रोफेरिक लिगामेंट। एक स्ट्रक्चर निकलती है, एक स्ट्रक्चर निकलती है, उसमें क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रोफेरिक लिगामेंट। किसके पास से होते हुए निकलती है ये, कार्डियक रीजन से। किसके पास से होते हुए निकलती है ये, कार्डियक रीजन से होते हुए निकलती है। इसके अलावा बात करते हैं आपका फंडस पार्ट, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सा है आपका, फंडस पार्ट। फंडस पार्ट के अंदर इसके मेन एक खासियत होती है क्या, कि यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट रहती है। क्या रहती है यहाँ पे, एयर एक्यूमुलेशन होता है। जैसे आप खाना खाते हो उसमें बहुत सारी एयर जाती है, तो एयर जाने के बाद वो एयर आपकी बॉडी में नहीं जाके कहाँ पे जाती है, फंडस पार्ट के अंदर जाके क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। फंडस पार्ट में जाके क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। और आपके फंडस पार्ट से एक स्ट्रक्चर निकलती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट। तो ये तो हो गए नियर बाई कार्डिक रीजन, और सेकेंड कौन सी हो गई आपकी, एक स्ट्रक्चर निकलती है नियर बाई किसे, फंडस पार्ट से। किसे निकलती है, फंडस पार्ट से। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकल रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई आपकी, गैस्ट्रोफेरिक लिगामेंट बोल सकते हैं इसको। और सेकंड बात करते हैं आपके फंडस, फंडस से होते हुए एक स्ट्रक्चर निकलती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा आपके एक नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, आपके बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, ये दो पार्ट रहते हैं। यहां से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन ग्रेटर ओमेंटम। ये क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर ओमेंटम। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दे रही है आपको पाइलोरिक और बॉडी। तो इसके आपके फंडस से जैसे डाउनवर्ड आते हैं, तो यहाँ पे एक प्लेट लाइक आपको एक सरफेस या कुछ आपको एरिया दिखाई देता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि आपकी ग्रेटर ओमेंटम से आपको एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ से एक आर्टरी क्रॉस करती है, यहाँ से इसके पास से होते हुए एक आर्टरी जाती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, उस आर्टरी को बोलते हैं गैस्ट्रोपोप्लिक आर्टरी। वो आके यहाँ इसको क्या करती है, क्रॉस करती है। आपके ग्रेटर ओमेंटम की दो लेयर होती है, उन दोनों लेयर में से एक स्ट्रक्चर निकलती है,
इसको क्या बोलते हैं अपन, गेस्ट्रो पिप्लोइक आर्टरी। क्या बोलते हैं इसे, गेस्ट्रो पिप्लोइक आर्टरी। आपकी गेस्ट्रो पिप्लोइक आर्टरी है ये सप्लाई करती है आपकी स्प्लीन को, क्या करती है ये स्प्लीन को सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस कर, आपके ग्रेटर ओमेंटम है, इसको क्रॉस करती है कौन सी वेसल्स या आर्टरी, आपकी गेस्ट्रो पॉपलिक आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, गेस्ट्रो पॉपलिक आर्टरी। ये तो हो गया अपने पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके जो रिलेशन है वो पढ़ रहे थे, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं आपके विसरल, ठीक है। पेरिटोनियल पढ़ लिया और उसके बाद में आते हैं विसरल। विसरल का मीन्स हो गया कि कौन कौन से ऑर्गन इसके आसपास में क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। तो स्टोमक के दो सरफेस हमने पढ़ी थी, एक सरफेस होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। दो सरफेस होती है, एक को बोल सकते हैं अपन एंटीरियर सरफेस और सेकेंड को क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर का मीन्स पीछे, एंटीरियर का मीन्स आगे। अब आगे की तरफ, स्टोमक के आगे की तरफ आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपका स्टोमक है इसे आगे की तरफ क्या कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर रहती है। तो आपका फर्स्ट ऑर्गन आपको क्या दिखाई देता है, अब्डोमिनल वॉल। और एंटीरियर साइड में आपकी एक स्ट्रक्चर होती है अब्डोमिनल वॉल, आगे की तरफ क्या रहता है, अब्डोमिनल वॉल रहता है। उसके बाद में और क्या रहता है यहाँ पे, एक नेक्स्ट आपको डायफ्राम, नेक्स्ट क्या रहता है, डायफ्राम। डायफ्राम, तो डायफ्राम आपने रीजन पढ़े हैं, बॉडी को 9 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे थे। तो आपके डायफ्राम कहां से स्टार्ट होता है, आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से डायफ्राम स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक जाता है। और वो स्ट्रक्चर क्या रहती है, वो डायफ्राम की स्ट्रक्चर इस टाइप से स्ट्रक्चर रहती है कि ये स्टोमक है, ठीक है ना। तो यहां से क्या रहता है, एंटीरियर साइड में और ये पीछे जाते हुए यहां पर आता है पोस्टीरियर साइड तक, यहाँ पे क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो आगे की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई, उसको अब्डोमिनल वॉल, सेकेंड क्या है डायफ्राम, और एक आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है आपके एंटीरियर, सॉरी नेक्स्ट क्या देती है आपके, आपके लीवर का लोब, स्टोमक के यहाँ पे लेफ्ट लोब, यहाँ पे स्ट्रक्चर सिचुएटेड रहती है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं लीवर। और लीवर का जो लेफ्ट साइड का जो लोब है वो क्या रहता है, स्टोमक के एंटीरियर साइड में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो तीन स्ट्रक्चर हो गई, एक तो आपकी अब्डोमिनल वॉल हो गई, सेकंड डायफ्राम हो गया, थर्ड हो गया आपकी लेफ्ट लोब ऑफ, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लीवर का लेफ्ट साइड का जो लोब है वो कहां पे रहता है, एंटीरियर साइड में रहता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर जो सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस पीछे की दीवार इसको बोल सकते हैं। तो आपकी पोस्टीरियर सरफेस को हम दूसरा नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमक बेड से, क्या बोलते हैं, स्टोमक बेड। बेड कहाँ पे रहता है, आप जैसे ही सोते हो तो बेड कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है पीछे की, जो कि आपको क्या करते हैं, रिलैक्स प्रोवाइड करवाता है, आपको रिलैक्स प्रोवाइड करवाता है, आपको सपोर्ट करता है। तो आपके पोस्टीरियर जो सरफेस होती है उसके पीछे के जो ऑर्गन कौन कौन से सिचुएटेड रहते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, जो ऑर्गन सिचुएटेड रहती है उसमें बोलते हैं स्टोमक बेड, क्या बोलते हैं उसको, स्टोमक बेड बोलते हैं। स्टोमक बेड पीछे है, पीछे है तो पीछे क्या क्या सिचुएटेड रहता है, स्टोमक के पीछे की साइड में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो स्टोमक के पीछे की साइड में दिखाई देता है आपके एंटीरियर सरफेस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस ऑफ पेनक्रियाज, आपको पेनक्रियाज की एंटीरियर सरफेस आपको दिखाई देती है। इसके अलावा आपको पीछे की साइड में क्या दिखाई देती है, आपको पीछे की साइड में दिखाई देती है एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ किडनी, आपकी किडनी की एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ किडनी, अपर पार्ट ऑफ, अब किडनी भी कौन सी रहती है, लेफ्ट किडनी, कौन सी किडनी रहती है, लेफ्ट साइड की किडनी, लेफ्ट साइड की किडनी, इस साइड में जो किडनी होती है उसका अपर पोर्शन कहाँ पे रहता है, स्टोमक के पीछे की साइड में रहता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर किडनी पीछे रहती है तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सुप्रा रिनल ग्लैंड, कौन सी रहती है, सुप्रा रिनल ग्लैंड। तो नेक्स्ट कौन सी हो गई यहाँ पे, और क्या रहता है, सुप्रा रिनल ग्लैंड, कौन सी, लेफ्ट सुप्रा रिनल ग्लैंड, सुप्रा रिनल ग्लैंड भी यहाँ पे क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है।
इसके अलावा बात करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, तो आपके लेफ्ट साइड का जो डायफ्राम है, लेफ्ट साइड का जो डायफ्राम है वो भी क्या रहता है यहाँ पे सिचुएटेड रहता है, लेफ्ट साइड का डायफ्राम भी यहाँ पे क्या रहता है सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा और क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको, एक आपका ट्रांसवर्स जो कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन जो कि क्या है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आपका ट्रांसवर्स कोलोन भी क्या रहता है इसके पीछे की साइड में सिचुएटेड रहता है, ट्रांसवर्स कोलोन या फिर बोल सकते हैं मिजो ट्रांसवर्स कोलोन भी क्या रहता है इसके पीछे की साइड में सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पे पीछे की साइड में और क्या दिखाई देता है, एक स्प्लीन को जो ब्लड सप्लाई करती है कौन सी, स्प्लीनिक आर्टरी, कौन सप्लाई करती है स्प्लीनिक आर्टरी, तो स्प्लीनिक आर्टरी है वो स्टोमक के पीछे की साइड से उसको क्रॉस करते हुए क्या करती है वहां पे ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहता है, एक आपका जो स्प्लीन है वो भी इसके पीछे की साइड में सिचुएटेड रहता है। तो एक आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, हाँ आपको ये स्ट्रक्चर है आपके, तो कौन कौन से पढ़ा था हमने कि एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, तो एंटीरियर सरफेस में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, हाँ एंटीरियर एंटीरियर रिलेशन की बात करते हैं तो एंटीरियर में आपको डायफ्राम बता दिया कि डायफ्राम यहाँ पे सिचुएटेड रहता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लीवर का जो लेफ्ट साइड का जो लोब है, ये जो लीवर है यहाँ पे क्या है ये लीवर है, तो लीवर स्टोमक का इसका जो लेफ्ट लोब है वो क्या रहता है इसके ऊपर सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा आपको प्रियुल लंग, इसके लंग भी क्या रहते हैं एंटीरियर साइड में सिचुएटेड रहते हैं, और अब्डोमिनल वाल, अब्डोमिनल वाल। अब बात करते हैं यहाँ पे आता है इन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन किसको बोलते हैं, कोस्टल मार्जिन रिप्स होती है, ठीक है ना, तो इंटरकोस्टल स्पेस मतलब आपके जो भी रिप्स प्रेजेंट होती है इसके बीच में जो स्पेस होते हैं उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, मार्जिन मार्जिन का मीन्स होता है कुछ एरिया आपके जो रिप्स है उसको इसको क्या स्टोमक को करता है, क्या करता है कवर करता है, फंडस पार्ट, स्टोमक के फंडस पार्ट को कौन करता है आपका लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, कौन कवर करता है आपका लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की, तो पोस्टीरियर रिलेशन में आपके कौन सा रहता है डायफ्राम, डायफ्राम मैंने आपको कौन सा बताया था लेफ्ट साइड का डायफ्राम बताया था, कौन सा बताया था आपको लेफ्ट साइड का डायफ्राम बताया था, इसके और इसके अलावा क्या रहता है स्प्लीन रहती है, इसके अलावा सुप्रा रेनल ग्लैंड, कौन सी लेफ्ट साइड की सुप्रा रेनल ग्लैंड, अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी का अपर पार्ट भी यहाँ पे क्या रहता है सिचुएटेड रहता है, स्प्लीनिक आर्टरी इसको पीछे से क्रॉस करते हुए जाती है, पेनक्रियाज इसको पेनक्रियाज पेनक्रियाज की कौन सी एंटीरियर सरफेस ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या रहती है इसके पीछे की तरफ रहती है, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन इसको पीछे से होते हुए जाती है, और एक लास्ट हो गया आपका ट्रांसवर्स मिजो कोलोन, ट्रांसवर्स मिजो कोलोन। अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है डायफ्राम, ये क्या है डायफ्राम है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है स्प्लीन, कौन सी है ये स्प्लीन, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं किडनी, और किडनी के ऊपर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर रहती है आपकी सुप्रा रेनल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड रहती है सुप्रा रेनल ग्लैंड। इसके अलावा आपकी स्टोमक क्रॉस करते हुए एक स्ट्रक्चर यहाँ से जा रही है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर जा रही है उसे क्या बोलते हैं अपन स्प्लीनिक आर्टरी, क्या बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है आपकी ट्रांसवर्स कोलोन, कौन सी है ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये हो गए आपके स्टोमक के रिलेशन, क्या हो गए स्टोमक के रिलेशन। इसके अलावा बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, स्टोमक को ब्लड सप्लाई, तो स्टोमक कौन सी कैविटी में रहती है पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी का दूसरा नाम क्या है अब्डोमिनल कैविटी,
क्या नाम है इसका? अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो होता है अब्डोमिनल आउटा। कौन करता है? अब्डोमिनल आउटा। आप कार्डियक सिस्टम में आप पढ़ोगे कि एक ये क्या हो गया, हर्ट हो गया। हर्ट से जो ये लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट साइड की जो वेंट्रिकल है, इससे एक तीन टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है। एक होता है आर्च ऑफ आउटा, एक को बोलते हैं आउटा, एक को बोलते हैं अब्डोमिनल आउटा, अब्डोमिनल सॉरी डिसेंडिंग आउटा। डिसेंडिंग आउटा आके जाके एक मेजर ब्रांच के अंदर चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं? अब्डोमिनल आउटा। क्या बोलते हैं? अब्डोमिनल आउटा। और अब्डोमिनल आउटा की, अब्डोमिनल आउटा वेंट्रिकली, वेंट्रिकली में आगे से तीन ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है। क्या होता है? तीन ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है। कौन सी? एक को बोलते हैं कोलिक ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको? कोलिक ट्रंक बोलते हैं। सेकेंड इसकी होती है वो कौन सी होती है? मेजेंट्रिक आर्टरी। कौन सी होती है? मेजेंट्रिक आर्टरी। और एक होती है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी होती है? स्प्लेनिक आर्टरी। ये आपकी कोलोनिक आर्टरी। इससे तीन टाइप की तो आर्टरी निकलती है, तीन टाइप की वेसल्स निकलती है। कौन कौन सी वेसल्स निकलती है? इससे निकलती है एक तो आपकी हेपेटिक आर्टरी, जो कि क्या काम करती है? लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। क्या काम करती है? लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। एक इससे क्या निकलती है? गैस्ट्रिक आर्टरी, सॉरी ये स्प्लेनिक आर्टरी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो आपकी कौन सी हो गई? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी के बाद में कौन सी निकलती है? गैस्ट्रिक आर्टरी। और गैस्ट्रिक आर्टरी के अलावा इससे निकलती है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी निकलती है? स्प्लेनिक आर्टरी। ये आपकी जो हेपेटिक आर्टरी है, ये हेपेटिक आर्टरी लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। सेकेंड होती है गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एक को बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक और एक को बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक। ये दोनों के दोनों लेजर कन्वेंसर को क्या करती है? क्रॉस करती है। क्या करती है? ये लेजर कन्वेंसर को क्रॉस करती है। उसके अलावा आपकी स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी क्या काम करती है? स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है। क्या काम करती है? स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा है तो आर्टरियल सप्लाई पढ़ रहे। आर्टरियल सप्लाई में अब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? अब्डोमिनल आउटा। अब्डोमिनल आउटा की एक ब्रांच होती है कोलिक ट्रंक। कोलिक ट्रंक की तीन टाइप की ब्रांच होती है, हेपेटिक, गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक आर्टरी। आपकी गैस्ट्रिक आर्टरी है वो मोस्टली स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा एक आपकी ब्रांच होती है गैस्ट्रिक पॉपलिक आर्टरी। गैस्ट्रिक पॉपलिक आर्टरी, ये आपकी गैस्ट्रिक पॉपलिक आर्टरी है, ये ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी की। फर्स्ट हेपेटिक, सेकेंड आपकी गैस्ट्रिक और थर्ड कौन सी होती है? आपकी स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक जो आर्टरी है इसकी ब्रांच होती है कौन सी? आपकी गैस्ट्रोपॉपलिक आर्टरी। और ये आपकी गैस्ट्रोपॉपलिक आर्टरी है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होती है? दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं राइट और एक को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? राइट और लेफ्ट। और ये आपकी दोनों की दोनों काम क्या करती है? ये दोनों के दोनों ग्रेटर कोमेंटम को क्रॉस करते हैं। ये आपकी पॉपलिक आर्टरी है, ये काम क्या करती है? ये ग्रेटर ओमेंटम को क्रॉस करती है। और ग्रेटर ओमेंटम और साथ में स्प्लीन को क्या काम करवाती है? ब्लड सप्लाई करती है। स्प्लीन को क्या करती है? ये ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, हाँ, तो ये होगी आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। इसके अलावा बात करते हैं वेनस ड्रेनेज। इसको बोल सकते हैं वेनस ड्रेनेज, बोल सकते हैं वेनस ड्रेनेज या फिर वेनस सप्लाई। वेनस सप्लाई सेम आपकी गैस्ट्रिक जो वेन होती है, गैस्ट्रिक जो वेन होती है वो इसको क्या करती है? वेनस ड्रेनेज करती है। वेनस आपकी गैस्ट्रिक वेन है वो किस में जाके? पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन के अंदर जाके क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। और पोर्टल वेन क्या काम करता है? पोर्टल वेन आपके इंफीरियर वेना कावा में जाके क्या हो जाता है? ब्लड को ड्रेन कर देता है। और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पे जाता है? इन्फीरियर वेना कावा आपके राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। किस में जाता है?
राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। तो ये हो गई आपकी वेनस सप्लाई ऑफ स्टोमक। इसके अलावा है बात करते हैं नर्व सप्लाई की। इसके अलावा बात करते हैं अपन नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की तो यहां पे कौन सा सिस्टम काम, कौन सा बात, नर्व सप्लाई कौन करते हैं? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। कौन करता है? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम की दो ब्रांच होती है, एक कौन सी होती है आपकी? सिंपैथेटिक। कौन सी होती है? सिंपैथेटिक। सेकंड कौन सी होती है आपकी? पैरासिंपैथेटिक। कौन सी होती है? पैरासिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सप्लाई करती है कौन से आपकी? कोलिक फाइबर्स। कौन सी करती है आपकी? कोलिक फाइबर्स या फिर कोलिक फ्लेक्सेस। कौन सी करती है आपकी? कोलिक फ्लेक्सेस करते हैं। पैरासिंपैथेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे पैरासिंपैथेटिक सप्लाई कौन करती है? वेगस नर्व। कौन करती है? वेगस नर्व। और पैरासिंपैथेटिक का फंक्शन क्या होता है? पैरासिंपैथेटिक काम करती है इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस। क्या काम करती है? गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाती है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन का, रिलैक्सेशन का काम कौन करवाती है यहाँ पे? पैरासिंपैथेटिक। नॉर्मली बात करते हैं कि आपके सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का काम होता है फाइट एंड फ्लाइट करना, फाइट एंड फ्लाइट करने का काम होती है। और फाइट एंड फ्लाइट का मीन्स कि बॉडी की जो भी एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, बॉडी की एनी एक्टिविटी, जो भी बॉडी की एक्टिविटी है उनको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपोजिट। यहाँ पे पैरासिंपैथेटिक क्या काम करता है? पैरासिंपैथेटिक आपके स्टोमक की मोबिलिटी को बढ़ाता है, स्टोमक के जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है इसको बढ़ाता है। इसके अलावा HCL या फिर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक क्या काम करती है? इसको रिलैक्स करने का काम करती है। क्या काम करती है? इसको रिलैक्स करने का काम करती है। अब यहाँ पे अपोजिट क्यों है? आपको कभी भी किसी से डर लगता है, आप कोई भी टेंशन में हो, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन में हो, उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ब्लड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, कोई काम करते हो कंटिन्यू, उस कंडीशन में आपको भूख नहीं लगती है। आपको जब आप कोई काम करते हो उस कंडीशन में आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि आपके स्टोमक के अंदर जो फूड है उनका डाइजेशन नहीं हो रहा है। वो फूड क्या है? रिलैक्स है, उसका डाइजेशन अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके स्टोमक की एक्टिविटी क्या रहती है? रिलैक्स रहती है, डल रहती है। तो वहां पे कौन सा सिस्टम रहता है आपके? सिंपैथेटिक। कौन सा रहता है? पूरी बॉडी के अंदर भी क्या है? सिंपैथेटिक है। तो पूरी बॉडी को काम करवा रहा है लेकिन स्टोमक को क्या कर रहा है? रेस्ट करवा रहा है। यही पर अपोजिट बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है, आपके कोई भी काम नहीं बचा है, सिर्फ बैठे हो, उस कंडीशन में आपको भूख ज्यादा लगती है, बैठे बैठे खाते रहते हो, ठीक है ना। आपका काम है बैठे बैठे खाना और बैठे बैठे खाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी कंप्लीटली क्या है? रिलैक्स है। और बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स है उस कंडीशन में आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज्यादा है, आपके खाने का डाइजेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। डाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्यादा हो रहा है। यह होगी आपकी वेनस ड्रेनेज या वेनस सप्लाई ऑफ स्टोमक। इसके अलावा बात करते हैं इस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। इस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, इस्टोलॉजी, इस्टोलॉजी का मीन्स हो गया या फिर इनर सरफेस या माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इसके तीन टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। या तो बोल सकते हैं इस्टोलॉजी, इस्टो का मीन्स होता है, इस्टोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ टिश्यू। इस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। सेकेंड बात करते हैं एंटीरियर, एंटीरियर सरफेस या एंटीरियरली ऑफ स्टोमक, एंटीरियर ऑफ स्टोमक। या फिर आपके क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके स्टोमक के अंदर क्या क्या होता है? तो स्टोमक के अंदर चार टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है? चार टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। एक को बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। उसके बाद में सब म्यूकोसा। कौन से होती है? सब म्यूकोसा। उसके बाद में जो
आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलार, क्या होते हैं, मस्कुलाकार। और लास्ट होती है आपकी सिरोसा, कौन सी होती है, सिरोसा। अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखा बताता हूं मैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रही है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब आपके इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, वो म्यूकोसा लेयर होती है। इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा। आपकी म्यूकोसा लेयर है वो किसके मिलकर बनी हुई होती है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। किसके मिलकर बनी हुई होती है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा इसमें आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिट्स, क्या बोलते हैं, पेट्स। और ये इसी पेट्स में क्या होता है, सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो सिक्रेशन को किस में ड्रेन करती है, आपके पेट्स के अंदर ड्रेन करती है। इसके अलावा म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा के अंदर ही आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड के अंदर यहाँ पे दो टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, या दो टाइप की, सॉरी दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन से एरिया के अंदर, ये आपके फंडस एरिया के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है चीप सेल, आपकी चीप सेल होती है, ये चीप सेल्स रिलीज करती है किसका, पेप्सिन का। किसका सिक्रेशन करवाती है, ये पेप्सिन का। और आपकी पेराइटल सेल, पेराइटल सेल को दूसरा नाम होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सॉरी ऑक्सीटोनिक, क्या नाम होता है इसका, ऑक्सीटोनिक टाइप की सेल होती है। ये काम होती है एच सेल का सिक्रेशन करवाने का, क्या काम करती है ये, ये काम करती है एच सेल का सिक्रेशन करवाने का। उसके अलावा बात करते हैं आपके सब म्यूकोसा, क्या होते हैं, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर होती है वो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है। किसकी, एलुलर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड सप्लाई, इनके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड लेयर कौन सी होती है आपकी, मस्कुलर लेयर। कौन सी लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और जो मस्कुलर लेयर होती है आपकी, जो मस्कुलर लेयर होती है वो तीन टाइप की होती है। मस्कुलर लेयर है वो कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की लेयर होती है। उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, एक तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मस्कुलर के अंदर आपको तीन टाइप की यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अंदर की साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मींस होती है इस टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या रहती है, इस टाइप की मसल्स प्रेजेंट रहती है। अगर बात करते हैं इनर साइड में, तो इनर साइड में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी, सर्कुलाकार मसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी, सर्कुलाकार, मतलब यहाँ पे जो मसल्स है वो इस टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सर्किल टाइप में, सर्किल टाइप में टाइप की यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है। और एक आपकी लास्ट मसल्स कौन सी होती है, ऑब्लिक, कौन सी, ऑब्लिक मसल्स होती है। ऑब्लिक मसल्स का मीन्स होता है आपको इस टाइप की मसल्स यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे तीन टाइप की मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसकी आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सीरोसा, क्या बोलते हैं इसको, सीरोसा बोलते हैं। और सीरोसा लेयर का काम क्या होता है, इनको सपोर्ट करना, क्या काम होता है, इनको सपोर्ट करना। तो ये हो गए आपके स्टोमक की एनाटॉमी कंप्लीट, बाकी फंक्शन ऑफ स्टोमक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।